नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में कर्मचारियों की टेक होम सैलरी बढ़ाने के इरादे से लेबर मिनिस्ट्री ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, लेकिन इससे पेंशन में कट सकती है आपकी पॉकेट। तो जी आज के इस वीडियो में कर्मचारियों के लिए ये जो बड़ी खबर निकल कर आई है, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले। दरअसल मौजूदा समय में ईपीएफओ में जो अंशदान 12-12% से दिया जाता है, तो उसकी जगह पे लेबर मिनिस्ट्री ने एक नया प्रस्ताव तैयार किया है, जिसकी वजह से आपकी टेक होम सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन पेंशन में कट सकती है आपकी जेब। तो जी आज के इस वीडियो में ये जो अपडेट है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, और अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को लाइक करते चलिएगा, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि इसके बारे में सभी को पता चल सके और आप जान सके कि किस तरह से लेबर मिनिस्ट्री के इस प्रस्ताव से आपकी टेक होम सैलरी बढ़ जाएगी, लेकिन पेंशन में कट सकेगी जेब। तो जी आज के इस वीडियो में ये जो अपडेट है, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि भविष्य में कर्मचारियों से संबंधित जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए, कर्मचारियों की टेक होम सैलरी बढ़ाने के उद्देश्य से लेबर मिनिस्ट्री ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, तो उसी के संदर्भ में ये जो अपडेट है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इस अपडेट में बताया गया है कि लेबर मिनिस्ट्री के इस प्रस्ताव से बढ़ जाएगी टेक होम सैलरी, लेकिन पेंशन में कट सकती है पॉकेट। देश के लाखों कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। हर महीने कर्मचारियों के हाथ में आने वाले वेतन की रकम बढ़ाने के लिए श्रम मंत्रालय ने पेंशन कोष और कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान घटाने का सुझाव दिया है। मंत्रालय ने कर्मचारी और नियोक्ता की ओर से कर्मचारियों के मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी के 10% अंशदान करने का सुझाव दिया है। मंत्रालय ने यह सुझाव ईपीएफ के लिए दिया है। इस समय कर्मचारी और नियोक्ता को अंशदान के तौर पर 12-12% रकम जमा करना पड़ता है। सूत्रों के हवाले से मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार ईपीएफओ के पास 23 लाख से अधिक पेंशन भोगी हर महीने 1000 रुपए की निकासी करते हैं, जबकि फंड कॉपर्स में उनका योगदान उनके द्वारा किए जा रहे लाभों के 1/4 से भी कम है। सूत्रों ने यह भी कहा है कि यह सरकार के लिए लंबे समय तक समर्थन करने के लिए अनुचित होगा, जब तक कि परिभाषित योगदान की व्यवस्था नहीं की जाती। पिछले साल समिति ने ईपीएफओ के केंद्रीय न्यास बोर्ड की ईपीएफओ की पेंशन योजना के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 2000 रुपए या 3000 रुपए करने के लिए अगस्त 2019 की सिफारिश को लागू करने में विफलता पर श्रम मंत्रालय से सवाल किया था। सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने कहा था कि न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाकर 2000 रुपए प्रति सब्सक्राइबर करने की तकरीबन 4500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा, और यदि इसे बढ़ाकर 3000 रुपए हर महीने कर दिया गया तो यह बोझ 14595 करोड़ रुपए का हो जाएगा। मीडिया की खबर के अनुसार गुरुवार की बैठक में अधिकारियों ने पैनल के सामने यह स्वीकार किया कि शेयर बाजारों में निवेश किए गए ईपीएफओ फंड का एक हिस्सा खराब निवेश में बदल गया और कोरोना वायरस प्रेरित उथल पुथल के बाद नकारात्मक परिणाम मिला। सूत्रों ने कहा कि अधिकारियों ने समिति को बताया कि ईपीएफओ के कुल 13.7 लाख करोड़ रुपए के कोष में से केवल 4600 करोड़ रुपए यानी इसका केवल 5% ही बाजारों में निवेश किया जाता है। तो जी आज के इस वीडियो में ये जो बड़ा अपडेट कर्मचारियों की टेक होम सैलरी बढ़ाने के संदर्भ में जो लेबर मिनिस्ट्री द्वारा प्रस्ताव तैयार किया गया है, तो उसी के संदर्भ में आज मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। इसके तहत बताया गया है कि आपकी टेक होम सैलरी में यहाँ पर बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन पेंशन में कट सकती है पॉकेट, क्योंकि जब तक वेतन के अनुपात में आपके पेंशन फंड में अनुदान नहीं दिया जाएगा, तो उसकी वजह से आपको जो है वो ज्यादा पेंशन नहीं मिल पाएगी। तो जी आज के इस वीडियो में ये जो अपडेट था, तो उसी अपडेट के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है तो उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आगे आने वाली कर्मचारियों से जुड़ी हुई पेंशन धारकों से जुड़ी हुई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आगे भी ऐसे ही अपडेट हम आपके लिए लेते आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं, तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है।
और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं।